ये देखिए नीचे कितनी सारी गंदगी इकट्ठी हो गई है पिलोज को धोने के बाद। अगर आपको लंबे समय से सिर दर्द हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको छींकें आती हैं या आपके माथे पर फुंसियां हो रही हैं, तो एक बार अपना पिलो क्लीन करके देखिए। आपको बहुत तरह की एलर्जी और कई तरह की और बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक एक स्टेप्स के किस तरह से आप अपनी पुरानी गंदी हुई पिलो को धो सकते हैं और उनके पीले हुए कवर को एकदम वाइट साफ बना सकते हैं और कैसे उनको जर्म फ्री कर सकते हैं और किस तरह से एक खुशबूदार पिलो अपने सिरहाने लगा सकते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल डेको आर्टिस्टा में आप सभी का स्वागत है। ये जो पिलो आप देख रहे हैं ये लगभग 2 साल पुराना है। 2 साल से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे मैं इसके कवर वगैरह चेंज करती रहती हूँ, इसे धूप में रखती रहती हूँ, पर क्योंकि घर में बच्चे भी हैं और वो पिलो फाइट भी करते हैं तो पिलो की हालत बहुत ख़राब है। पिलो का कवर भी बहुत बुरी तरह से, इसमें कई तरह के पानी के और कई और चीज़ों के जो बच्चे खाते रहते हैं वो गिराते रहते हैं, इस पर कई तरह के दाग लगे हैं। तो आज मैं इन दोनों पिलोज़ को वॉश करूँगी। हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो मैं उसमें इनको वॉश करने वाली हूँ। तो वॉश करने से पहले मैंने इनका जो ऊपर का पिलो कवर था वो निकाल दिया है। हम फाइबर वूल की जो पिलो हैं उनको बड़ी इजीली वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, पर हम कॉटन की स्टफिंग वाली जो पिलोज़ हैं हमारी उनको वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो पिलो कवर निकालने के बाद मुझे पता चला कि इसमें एक आध जगह से सिलाई भी उधड़ी हुई है, तो पहले मैं इसको सिलाई करके बंद करूँगी, क्योंकि अगर हम इसको वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो इसकी सारी जो फिलिंग है वो बाहर आ जाएगी। सिलाई करने के बाद मैं पिलोज़ को वॉशिंग मशीन में डालने से पहले इसको हाफ से ज़्यादा पानी से फिल कर लूँगी और फिर इसमें मैं डालने वाली हूँ डिटर्जेंट। मैं कपड़ों के लिए हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट का यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो पाउडर डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप भर के लिक्विड डिटर्जेंट इसमें डाल दिया है। डिटर्जेंट डालने के बाद मैंने मशीन को ऑन कर दिया है, क्योंकि एक बार जब हम पिलो इसमें डाल देंगे तो मशीन इस तरह से घूम नहीं पाएगी। लिक्विड डिटर्जेंट पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है और अब ये मैंने लिया है 1/2 कप सोडा। ये मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है वही। अब मैं एक एक करके इसमें पिलोज को डिप कर रही हूँ। पिलोज को इसमें डिप करते हुए आपको थोड़ा सा हाथों से प्रेशर देके अंदर उनको डिप करना होगा। इसके अलावा भी आपको 1-2 बार और हाथों से इनको मशीन चलते हुए बीच में हाथों से प्रेशर देके इनको अंदर पुश करना होगा, क्योंकि मशीन के चलने से ये कई बार बाहर की तरफ ऊपर की तरफ को आ जाती हैं। वॉशिंग मशीन को मैंने नॉर्मल मोड पर ही रखा है। इसके बाद थोड़ी देर इस पर घुमाने के बाद मैं इसको स्ट्रॉन्ग मोड पर भी करूँगी। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप फैब्रिक वाइटनर। जो फैब्रिक वाइटनर है ये कपड़ों को जो कपड़ों की का पीलापन है उसे दूर करके कपड़े को वाइटनेस देगा। तो अब जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो हमारा बेकिंग सोडा और जो फैब्रिक वाइटनर है वो तीनों चीज़ें पानी में अच्छे से मिक्स हो गई हैं और पिलोज को भी मैंने इसमें डिप कर दिया है। तो अब मैं पिलोज को मिनिमम 15 मिनट्स सोक होने दूंगी। लगभग 20 मिनट्स मैंने पिलोज को पानी में अच्छे से डिप रहने दिया है और ये बहुत अच्छे से इसमें सोक हो चुकी हैं, पानी का रंग भी कुछ चेंज हो गया है। तो अब मैं अपनी वॉशिंग मशीन को ऑन कर रही हूँ और इसको नॉर्मल मोड पर ही रखूँगी। मशीन स्मूथली नहीं चल रही है तो इसको स्मूथली रन करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। मैंने वॉशिंग के 2 राउंड्स पिलोज़ को दिला दिए हैं और इस सोपी वाटर को अब मैं ड्रेन करने जा रही हूँ। ड्रेन होने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे जो वॉशिंग मशीन की जो बॉटम में कितनी गंदगी हमको दिखाई दे रही है। सोप निकलने के बाद मैं इसे फिर से ताजे पानी से भर दूंगी और फिर हम इसमें वॉश करेंगे तो जो सोपी वाटर है वो सारा निकल जाएगा। 2 बार इसमें से सोप वाला वाटर निकालने के बाद अब बिल्कुल क्लीन वाटर निकलने लगा है। तो अब मैं यहाँ पर हाथों से निचोड़कर हल्के हाथों से इसको स्पिनर में डाल रही हूँ। ये इनका शेप बुरी तरह से बिगड़ गया है, लेकिन आप बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करिए, ये दोबारा अपने शेप में आ जाएंगी। ये याद रखिए कि स्पिनर में हमें सिर्फ 15 सेकंड्स ही इनको घुमाना है, क्योंकि अगर हम इनको ज़्यादा स्पिन करेंगे तो इनकी जो सारी अंदर की पॉलीवूल है वो भी ख़राब हो जाएगी और इनका शेप भी बिल्कुल बुरी तरह से ख़राब हो जाएगा।
तो हमारी जो पिलो है वो पूरी तरह से एक बॉल के शेप में आ गई है। पिलोज को मैं धूप में ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। तो देखिए अभी कई सारे दाग जो हैं बच्चों ने लगाए थे, वो कई सारे दाग अभी नहीं साफ़ हुए हैं, पर जो पिलो का रंग है वो बहुत साफ़ हो गया है। जो पानी के दाग थे वो भी काफ़ी हद तक चले गए हैं। सूखते हुए ही पिलो को हाथों से ही थोड़ा सा रिप्लफ करना होगा। बार बार हाथों से थपथपाने से पिलोज बहुत अच्छे से रिप्लफ हो गई हैं और इनमें से खुशबू भी आने लगी है और काफ़ी हद तक पिलो साफ़ भी हो गई हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं कि आप पिलो को डिस्कार्ड करके नई पिलो ले आएं, और एक और तरीका हो सकता है कि आप उन्हीं पिलो को वॉश करके और उसके ऊपर अच्छा सा एक कवर चढ़ाएँ और उनको दोबारा यूज़ करें। तो साफ़ सुथरी पिलोज के साथ मेरा बेडरूम फिर तैयार है हमें एक अच्छी सी नींद देने के लिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।